तो यार आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का आपका आठवां क्वेश्चन। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले यार आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है आपकी स्टडी गर्ल फैमिली में, ठीक है। तो चलिए आप क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दिया क्या है पहले उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। बात तो सही है। तो यहां पर आपको क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो यही कह रहा है कि भाई थ्री इरेशनल नंबर हमको फाइंड करना है दिए हुए इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में, ठीक है। यानी कि इससे बड़े नहीं होने चाहिए, इससे छोटे नहीं होने चाहिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें आपको करना है पहले इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देना है। इसके पहले जो दो क्वेश्चन में हम लोगों ने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग करते आए हुए हैं इसमें हमने डिवाइड किया था ना, तो वैसे ही डिवाइड आपको इसमें भी करना है, डेसिमल के बाद तक भी इन दोनों का ऐसे ही करना है, इनका और इनका, ठीक है। तो आओ करते हैं पहले हम इन सभी का, उसके बाद क्या होगा उसका आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पर आपका 5/7 है, तो ये ध्यान देना है, जिनको नहीं पता है समझ लो कि 7 में यानी कि जो नीचे वाला होता है उससे ऊपर वाले में डिवाइड होता है। जैसे कि ये हो गया आपका 7 और ये हो गया 5। अब ये बताओ 7 से 5 में डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक डेसिमल लगाएंगे, है ना। अब डेसिमल लगाने के बाद यहाँ एक जीरो तो हम बढ़ा सकते हैं, ये हमको अलाउ हो जाता है, हमको ये मौका मिल जाता है, एक तरीके समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर हो गया 50, कितनी बार जाएगा, टेबल पढ़ेंगे तो 7/7, ठीक है। तो 7/7 कितना हो जाएगा 49। तो यहाँ पर अभी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ 10 में से 9 1 हो गया और ये 0 तो होगा ही। अब 7/7 में डिवाइड नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा लेंगे। अच्छा डेसिमल बढ़ाने के बाद यही तो हमको फ़ायदा मिल जाता है कि हम एक डेसिमल तो अपने आप से बढ़ा सकते हैं बिना किसी से पूछे। तो यहाँ पर एक डेसिमल अगर हम बढ़ा लेते हैं, अब यहाँ हो गया 10, अब 10 में हम किससे डिवाइड करेंगे, मतलब अगर 7 से डिवाइड करना है तो कितनी बार टेबल पढ़ेंगे, तो एक बार हम पढ़ेंगे टेबल 7/1 7। अब यहाँ आ गया आपका 3, ठीक है, क्योंकि 10 में 7 माइनस करेंगे 3, तो 7 से 3 में डिवाइड नहीं कर सकते तो हम उतारेंगे एक 0 फिर से। तो यहाँ 0 उतार देते हैं, अब कितना जाएगा 7/4 जा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 जाएंगे तो कितनी बार जाएगा 28। अब यहां से अगर हम माइनस करते हैं 30 में से 28 ऐसे डायरेक्ट देख लो तो बचेगा हमारा 2, है ना। अब यहां पर 2 बचा हुआ है, 7 से 2 में डिवाइड नहीं कर सकते तो क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, है ना, 0 बढ़ गया। अब यहां पर कितनी बार हम टेबल पढ़ेंगे, 20 आए या फिर 20 से कम आए 7 का, तो 7 का 7/2 जा कितना होता है 14, यहां हम लिखेंगे 2 और यहां हो जाएगा आपका 14, है ना। अब यहां पर हम माइनस करेंगे 20 में से 14 तो आएगा आपका 6। 7 से 6 में हम डिवाइड नहीं कर सकते, यहां पर भी हमको बढ़ाना पड़ेगा एक 0, ठीक है। अब देखो यहां पर 60 हुआ, कितनी बार हमको टेबल पढ़ना पड़ेगा, 8 बार, कितनी बार 8 बार, 56, 7/8 जा 56 हो जाएगा। अब यहां से हम माइनस करते हैं, देखो 10 हो जाएगा, 10 में 6 हो जाएगा 4 और यहां पर 0 आपका बचेगा, ठीक है। यहां पर देखो 7/4 जा, सॉरी 7 से अगर हम 4 में डिवाइड करते हैं तो नहीं होगा। अच्छा ये अब आपके मन में क्वेश्चन आता होगा कि सर ये कितना लंबा हम लेकर के जाएंगे, बात तो सही है। हम इसको तब तक लेकर के जाएंगे जब ये जब तक ये रिपीट ना होने लगे। जैसे यहाँ पर कुछ नंबर है ना, इसके बाद अभी कुछ देर बाद क्या होगा कि ये रिपीट होने लगेगा नंबर, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना भी, तो यहाँ पर हम 0 बढ़ाते हैं तो कितनी बार जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा आपका 5 बार, यहाँ हो गया आपका 35, बचा आपका 5। देखो अब यहाँ पर आ गया आपका 5, ध्यान देना यहाँ पर भी आपका 5 ही था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो अभी 5 था तो हम लोगों ने इतना लंबा किया और हमारा ये आया था। अब यहाँ से अगर हम 0 बढ़ाते हैं तो फिर से यही चीज़ आने लगेंगी, यानी कि अब हमको क्या होगा, रिपीट मिलने लगेंगे नंबर। तो यहीं पर हम क्या करेंगे, इस डिवाइड को हम यहीं पर रोक देते हैं और ये क्योंकि बार बार हमको रिपीट मिलेगा तो इसके ऊपर हम बार लगा देते हैं, है ना, ठीक है। ये तो मैंने बताया ही था कि अगर जो भी नंबर आपको रिपीट मिलता है इसमें उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। तो ये हो गया आपका, अभी इस वाले का हमने डिवाइड किया है।
अब उसके बाद हम करेंगे इस वाले का डिवाइड, ठीक है। कितना है 9/11, यानी कि 11 से हमको 9 में डिवाइड करना है। भाई जाएगा तो नहीं डिवाइड, तो हमको डेसिमल बढ़ाना ही पड़ेगा। डेसिमल बढ़ाते हैं तो यहाँ पर 90 हो गया। कितनी बार जाएगा, 8 बार। 11 एट जाए कितना होता है 88, यहाँ पर हो गया आपका 88। अभी यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, और ये हो गया आपका 0। यहाँ पर आपका आया 0, क्योंकि 11 से 2 में डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अभी वहाँ पर हम डेसिमल में भी बढ़ाए हैं, तो इसलिए 0 बढ़ा सकते हैं। कितनी बार जाएगा आप भाई, 11 वन जा 11 जाएगा, क्योंकि 2 जा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 11, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 होगा ही। अब यहाँ पर देखो 9 आया, 0 बढ़ाएंगे, फिर से हमको क्या 8 जा लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर 1 जाना पड़ेगा, फिर ऐसे ही 8 1 8 1 रिपीट होता रहेगा। तो यहीं पर हम क्या करते हैं, यहीं पर डिवाइड को हम खत्म कर देते हैं। मान लेते हैं कि यही तक मान क्या लेते हैं, ये तो हो ही गया, अब इससे आगे हम कर ही नहीं सकते, करेंगे तो इनफाइनाइट तक करते रहो ऐसे, ठीक है। अब बार हमने किस लिए लगाया, ये भी बता दिया कि भाई बार हमने इसलिए लगा दिया क्योंकि ये रिपीट हो रहे हैं नंबर। जैसे इसमें 2 नंबर रिपीट हो रहे थे बार बार, तो हमने उस पर लगाया। इसमें ये सारे नंबर रिपीट हो रहे थे, तो हमने इस पर लगाया। अब हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भाई हमको 3 इरेशनल नंबर इनके बीच में फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितना है 71 और यहाँ पर 81, ठीक है 81। डेसिमल के बाद वैसे भी नंबर एक एक करके ही पढ़े जाते हैं, तो हम क्या करते हैं सिंपली, अब ये आपको पता है नहीं भी पता है तो समझ लो कि भाई जो 2 इरेशनल नंबर होते हैं या फिर इरेशनल नंबर जैसे ये है, ठीक है, इनके बीच में हम इनफाइनाइट इरेशनल नंबर लिख सकते हैं, ये ध्यान देना। तो अभी यहाँ पर 71 के बाद 72 लिख दो, 0.72 लिख दो। अब इसके बाद आप कुछ भी नंबर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 5.2, ये तो अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ, आप भी अपने मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई, तो यहाँ पर अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। लिखना आपको कितना है भाई, 3 लिखना है, तो ये एक हो गया। दूसरा हम लिख लेते हैं 7 4 6 7 8 9 4 -, ठीक है। अब यहाँ पर एक और लिख लेते हैं 7 9 8 5 2 8 3, ये अपनी मर्जी से लिख रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ हमने यहाँ पर निकाला हुआ है, ठीक है। आप भी अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, बस ये ध्यान देना कि इससे और बड़ा और इससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, यही आपका क्वेश्चन था जो कि हमने सॉल्व कर लिया यार। फिर भी अगर कहीं भाई आपको डाउट बनता है, कोई क्वेश्चन बनता है यार, कमेंट सेक्शन है, आप क्वेश्चन पूछिए, हम उसका आंसर देंगे, ठीक है ना। और आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।